मेरी ना तबीयत नहीं ठीक और ये मेरे लिए ना चाय बना रही है, लेकिन फिर भी मुझे व्लॉग बनाने के लिए ना आना पड़ा है। इससे अच्छा मैं खुद ना बना देती। अब मैं एक हाथ ये पकाऊं एक हाथ से व्लॉग बनाती, फिर दिमाग खराब है तुम्हारा। चलो तुम्हारी लुतरी इतनी चल रही है, पता लग रहा है तुम ठीक नहीं। तुमने ना लोगों को बोर कर देना चाय दिखा दिखा के। खैर बोर तो नहीं हम होने देते, वैसे भी चाय देकर किसे बुरा लगता है। हमारी एक फैमिली में भाभी है, वो उस दिन आई थी, वो कह रही थी कि ना थकावट भी हो जो कुछ मर्जी हो ना तो, लेकिन इनकी चाय देख के ना दिल करता है उठ के बना ले बंदा पी ले। चलो फिर आज कुछ डिफरेंट ऐसे करते हैं कि चाय पे कुछ सुना दो। पहले बारिश पे तो बहुत गाने गा लिए ना तुमने, तो आज चाय पे कुछ सुनाओ। मेरा कुछ मूड नहीं है निकल। कोई गाना गा दो, कोई नज़म, कोई गजल, कुछ भी चाय के नाम पे तराना सुना दो। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम देती हूँ, कोई गाना सोच लो। पहले तो ना इसको मैं तैयारी करवाती होती हूँ, बताती हूँ कि आज तुमने ना व्लॉग में गाना गाना है, तो ये फिर रेडी कर लेती है। आज मैं रैंडम उठ के आ गई हूँ कि चाय पे कुछ सुना दो, देखते हैं कुछ सुनाती है कि नहीं सुनाती। मुझसे ना तुम तफे ना खा लेना, मुझे तो सब कुछ खाती हूँ। चलो ऐसा करो कि मैं ना तुम्हें हिंट देती हूँ कि ना बिलाल सईद का वो गाना है ना बारी, जिसके स्टार्ट में चाय का जिक्र आता है, वो गा दो। बिलाल सईद वो अच्छा वो वाला इसका जो सॉन्ग है, हाथ ते डुल गई चार सजना एडी तेरी गंदी निगाह सजना। वो वाला आता है तुम्हें? सोचना पड़ेगा। या फिर वो सुना दो, एक गरम चाय की प्याली हो। मुझे नहीं कुछ भी आता, सॉरी ना मेरा मूड है गाने का। इतनी बिस्ती? हाँ जी। चलें जी, इस बिस्ती को कवर करने के लिए ना मैं आपको चाय पे ना एक शेर सुना देती हूँ। अभी इसकी तबीयत खराब है देखो, लेकिन एक शर्त पे मैंने शेर सुनाने है कि आप सबने ना वाह वाह करना है। दोनों कह नहीं है। अच्छा वाह वाह करनी है, ठीक है। चले जी शुरू करते हैं। वाह 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 वाह। बोलने तो दो मुझे, चाय का एहतराम करें। वाह 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 वाह। चाय का एहतराम करें, ये तमाम मशरूबाती मुर्शिद है। वाह वाह वाह। मां है मशरूबात की मां। अब मेरा तुमसे शेर हजम ही ना हो रहा। नहीं फप्पे घुटन, ओ फप्पे घुटन, ओ सॉरी भाभी क्या बना रही हैं आज? टिंडे बन रहे हैं आज। अच्छा जी आ गई है सैड सपाटे करके, दो दिन का कह के जाती हैं, वहां जाकर चोरी हो जाती हैं। अगर मैंने पहले बता दिया ना तो फिर कुछ ना कुछ कह देना है, तो वहां जाके बताया कि मैंने और रहना है। हो गई है सारा? हो गई सारे। आपका भी कहती है मैंने टिंडू बनाने हैं। हाँ चलो पकाओ पकाओ, हूं हांडियां पकाओ। मेरी चाय रेडी हो गई है। क्या ले ये दो रख दो क्या? अगर साथ में कुछ नमकीन मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता। पेड़े दे दो नमकीन दो। नहीं नहीं वो ज्यादा स्पाइसी हो जाएगी। ये जो तुम्हारा सुबह का बचा ना ये खाओ। चलो हाय क्या हाल इसका किया हुआ इसने, ये खाया किसने है? एक तो मुझसे जल गया था थोड़ा सा बिल्ली ने, ऊपर से ये लेके ना निकलो यहाँ से। इन्नी बिस्ती कोई कदर ही नहीं है इस कार्ड मेरी, छोटे वे कोई कदर नहीं। इतना काम करती हूँ मैं तुम लोगों का। अच्छा भाभी घर नहीं थी और ये बीमार हो गई थी, तो मैंने सारा काम मैंने किया पीछे से घर का, और मेरी इस कार्ड कोई कदर नहीं है। इतनी बिस्ती कर दिया मेरी, चल रही है मैं तो कार्ड छोड़ के, मुड़ के नहीं मरना मैं। करने तो किचन में मैं सलाम दुआ गई थी, लेकिन मुझे ना बिस्त करके इन्होंने निकाल दिया। कुत्ते वाली कट दो मेरा जेवर, चल रही है मैं तो बेड बना के रखा मेरा सामान दबो सारा। इन्हें टाइटल पा देना मुझे घर से निकाल दिया, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। वो तो फिर मेरी मर्जी है ना। अननान पर जाई ने मैं तंग किया पिया, तुसी जानबूझ के ना हम व्लॉग ना लंबा कर। अच्छा गल खत्म हो गई नहीं? कोई हम सिस्टम नहीं, कोई लेना देना नहीं, तुसी मैंने सताया ही बहुत। अच्छा बात को बढ़ाओ मत, व्लॉग को खत्म करो यहाँ पे। नहीं यार व्लॉग तो बन जाता है, सही बताऊं तो टाइटल बड़ी मुश्किल से बनता है, उससे बड़ा टाइम लगता है। अच्छा? और सही बताऊं तो पैसे भी सारे टाइटल के ही है, आई मीन थंबनेल के। कौन से पैसे तुम्हें इस बार जो तनख्वाह आनी है ना वो मैंने लेनी है। हाँ पिछली मैंने ली थी ना, इस बार तुमने लेना। खेत कट्टा सुहा आई है। ये नहीं पता बेचारे टिंडे क्यों बदनाम है, कोई इनको मुंह नहीं लगाता। क्या करूं दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन अम्मी ने अगर सुन लिया ना तो छित्र पड़ जाना मुझे। गला ठीक हो गया तुम्हारा? ये फिर भर भर के रख रही हो। वो ना इधर फजूल इधर उधर पड़ा हुआ था मेरे। हाँ मुझे पता है, इसको भर के रख दू। ये ना इधर उधर हम लोग होते हैं ना तो एक निकाल के अपने पानी में डाल देती है। अम्मी दस दी है, अम्मी वैसे पता है कि मुझे तो पसंद ही नहीं है। अम्मी दस दी। ओ शट अप। चले अम्मी को कह के देखती हूँ टिंडो का, शायद कुछ और खाने को मिल ही जाए। चुप कर जाओ। अम्मी जी टिंडे क्यों बनाया तुसी? मैं नहीं खाने। क्यों नहीं खाने? लत्ता पांदे नहीं जिन्हें ना खादे। मैनू नहीं चंगे लगते। नहीं चंगे लगते, इतने महंगे 100 रुपए के पाइया टिंडे है।
100 रुपए दे पाई है तानू कहने क्या से पकाओ ऐसे चंगा से दाल पका लेते कोई खा ते लेंदा अच्छे लग रहे हुन तुसी खाने हैं खाओ तुसी खाने सारे चले जी अम्मी से तो बेइज्जती हो गई है तुम्हें अपनी पड़ी हुई है कोई ना कोई सोग निकाल के बैठी रहती है अब मेरे सर की चढ़ गई नहीं अच्छा भला पता है कि नहीं कोई टिंडे खाता बंदा ना आप पकाए कौन सा सॉन्ग सुन रही हो इसकी आवाज बंद कर देना तो यूट्यूब ने अपना अमला लेके आ जाना कॉपीराइट लग के मुझे ये बताओ इश्क पहले था या आशिक पहले इश्क पहले था या जो आप मेरे को तो है मेरे को है हाँ मैं पहले तो उनकी अपने आप में आशिक है नहीं कि मैं शौक दो में ही नहीं अल्लाह लोकनी अबू आए दरवाजा खोल चल मैं जाना तू ही जाओ अच्छा तो आप लोगों ने ना कमेंट में बताना है इश्क पहले था या आशिक पहले देखते हैं कौन क्या जवाब देता है मेरे पास इसका जवाब तो है मे भी मैं अगले व्लॉग में बताऊँ आपको लेकिन आपने कमेंट में बताना है सर्च नहीं करने बैठ जाना क्योंकि मिलना आपको कुछ नहीं है इसलिए जो भी माइंड में आए ना जो भी दिल में आए बस वो कमेंट में लिख देना है आपने मैं अकेली खाने वाली रह गई थी तो फिर मैंने कहा कि बाहर से नहीं कुछ मंगवाती तो फिर मुझे याद आया कि जो अम्मी ने शामियां बनाई थी ना वो पड़ी हुई है वो खा लेती हूँ फिर मैंने वो एक गरम किया साथ में थोड़ा सा सैलड है साथ में खीरा काट लिया तो मैंने कहा इसका मैंने एक रोल सा बना के ना वो खा लेती हूँ ऐसा कुछ बनाना है ना तो फिर से कुछ ना कुछ निकल ही आता है फिर तो ये पिज़्ज़ा सॉस पड़ी थी मैंने कहा थोड़ी सी ये लगा लेती हूँ साथ में ना ये वाली रेंच सॉस पड़ी थी थोड़ी सी ये डाल लेती हूँ आजा आजा इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह लगा लिया है अब इसके ऊपर रखेंगे शामी और फिर इसको फैला देंगे अच्छी तरह से मैंने कहा इधर किसी ने पूछना तो है नहीं कि तुमने टिंडे खाए कि नहीं खाए फिर मैंने कहा पेट से क्या दुश्मनी है कुछ ना कुछ तो खाना ही है ना फिर मैंने कहा चलो उठ के खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी खा लेते हैं ये भी पहले मैंने टिंडे देके इसलिए रिएक्ट नहीं किया था मुझे लगा था शायद कोई गोश्त बोटी हो गई अंदर कोई चिकन चुकन थोड़ा बहुत डालेंगे लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये सादे पकने हैं अब इसको थोड़ा सा और सोसी करने के लिए इसमें मायनीस डाल दूंगी फिर ज़्यादा ड्राई ड्राई भी तो नहीं ना खाया जाता और फिर केचप ये देखिए जी मेरा यम्मी सा रोल रेडी हो गया तो खा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ सुला नहीं मैंने मारनी मुझे पहले भूख लगी हुई है ऊपर से आज बेइज्जती भी इतनी हो गई है ऐसे सलूक करते हैं मेरे साथ ऐसे मैं सौतेली हूँ कूड़े से उठा के लाए मुझे बना लिया मैंने अपना खाना आई होप आपको आज का छोटा सा व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें शेयर कर दें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें तो नेक्स्ट मिलेंगे नए व्लॉग नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ और इसकी नई बिस्ती के साथ चलो जी कल मिलते हैं तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें हम अपना ख्याल रखेंगे अल्लाह हाफिज़ जी।